A very good morning all of you. आगे आज हम फाइव किंगडम सिस्टम से इम्पोर्टेंट MCQs लेने वाले हैं, जिसमें मैं मोनेरा किंगडम को डिस्कस करूँगा, जैसा कि मैंने थ्योरी में मोनेरा किंगडम पढ़ाया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो MCQ हमारे पास है वो ये है कि लीनियस का वर्गीकरण सिस्टम कृत्रिम था क्योंकि ये आधारित था। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए लेनियस ने कृत्रिम वर्गीकरण दिया था, और ये किस पर आधारित था। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि लेनियस का जो कृत्रिम वर्गीकरण था वो कुछ ही आकारिकी लक्षणों के ऊपर बेस्ड था। बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन यूकेरियोटिक नहीं है? तो आप लोगों को पता ही है फाइव किंगडम सिस्टम में केवल मोनेरा किंगडम ऐसा है जिसमें सभी प्रोकैरियोट रखे गए हैं, बाकी सभी किंगडम में यूकेरियोटिक जीव आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मोनेरा। पांच जगत प्रणाली किसने दी? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, पांच जगत प्रणाली RH विटेकर ने दी थी। बिल्कुल आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा पांच जगत प्रणाली का आधार नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इसे अभी पूछा गया था। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, कोशिका संरचना है, शरीर संगठन है, प्रजनन भी है। मैंने थ्योरी में प्रजनन नहीं लिखा है डियर स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पर मेंशन कर लेना कि प्रजनन प्रणाली के आधार पर भी विटेकर ने पांच जगत प्रणाली को बांटा था, और संरक्षित भोज्य पदार्थ इसमें आंसर होगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि संरक्षित भोज्य पदार्थ को आधार नहीं बनाया गया था पाँच जगत प्रणाली में। बिल्कुल आप याद रखेंगे। अरस्तु ने रेड ब्लड कैप्सल्स रहित एनिमल्स को किस में रखा? तो अनेमा में रखा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, अनेमा और इनेमा में RBC युक्त एनिमल्स को रखा और RBC रहित को अनेमा में रखा। विटेकर की पांच जगत प्रणाली में यूकेरियोट्स कितने जगतों में रखे गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यूकेरियोट्स चार जगतों में रखे गए हैं, क्योंकि एक जगत मोनेरा में आपके सभी कौन आ जाएंगे? प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि किसने चार जगत वर्गीकरण दिया? तो चार जगत वर्गीकरण देने वाले थे आपके कॉपलैंड। बिल्कुल आप याद रखेंगे। किसने जंतुओं को रुधिर के कलर के आधार पर वर्गीकृत किया था? तो ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी, और इसका क्वेश्चन भी देख चुके हैं एरिस्टोटल या अरस्तु ने। अरस्तु का जंतु वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह एक आकारिकी लक्षण पर आधारित था, यह जातिवृत्तीय था, यह कई जननीय लक्षणों पर आधारित था, यह प्राकृतिक सिस्टम था। तो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक ही आकारिकी लक्षण के ऊपर बेस्ड था। डिस्टेंस देखिए, RPSC में बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कॉपलैंड के वर्गीकरण में निम्न में से किसको किंगडम का दर्जा दिया गया? तो प्रोकैरियोट्स को किंगडम का दर्जा दिया गया, आगे मोनेरा बना दिया गया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। बिल्कुल आप याद रखेंगे। लीनियस के द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जीवाणुओं को कौन से जगत में रखा गया? तो लीनियस के द्वारा दिए गए वर्गीकरण में जीवाणुओं को प्लांटी में रखा गया था, क्योंकि लीनियस ने तो दो जगत परिकल्पना ही दी थी। दो जगत प्रणाली निम्न में से किन्हें विभेदित नहीं करती है? यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, एक कोश के बहुकोश के जीवों को, प्रकाश संश्लेषी एल्गियों, अप्रकाश संश्लेषी कवकों को, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दो जगत प्रणाली इनमें से किसी में भी विभेदन नहीं करती है, क्योंकि दो जगत प्रणाली जो है वो केवल दो जगतों के ऊपर ही बेस्ड है, प्लांटी और एनिमेलिया, और इन्हीं में ही सभी जीवों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये इस जगत की, ये दो जगत प्रणाली की डीमेरिट्स भी है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर आगे एक और प्रश्न हम विटेकर की पांच जगत प्रणाली से लेते हैं कि निम्न में से विटेकर ने कौन से आधार पर पांच जगत प्रणाली में उपयोग किए हैं, या पांच जगत प्रणाली में विटेकर ने कौन से आधार उपयोग किए हैं? तो कोशिका संरचना को उपयोग किया है, थैलस संगठन को उपयोग किया है, पोषण का प्रकार उन्होंने लिया है, जनन विधि को लिया है, जातिवृत्तीय संबंध को लिया है, जैव रासायनिक अंतर को नहीं लिया, और कार्य के लक्षण को नहीं लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट FNG। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको सारे आधार मिल जाएंगे। हेटरोसिस्ट जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशिष्ट होती है पाई जाती है, तो बिल्कुल हमने पढ़ा है नीलहरित शैवाल, नोस्टोक और एनाबिना में ये पाई जाती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। निम्न में से क्या जीवाणु में अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में क्या अनुपस्थित होता है? RNA पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, मेसोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो जीवाणुओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलेगा। निम्न में से विषम को चुने कोशिका भित्ति के संदर्भ में, हेलोफाइल्स, मिथनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, इन सबकी कोशिका भित्ति एक जैसी होगी क्योंकि आर्किबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में आते हैं, तो इसकी कोशिका भित्ति अलग हो जाएगी, तो विषम जो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। मिथनोजेंस बहुत ऐसे मिलेंगे गर्भ झरनों में, सल्फर चट्टानों में, मवेशियों में, प्रदूषित जल में। तो
मवेशियों की गट में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनके डंग से बायोगैस का उत्पादन भी करते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे आप देखिए, कौन सा लक्षण आर्किबैक्टीरिया के उच्च वातावरणीय दशाओं में अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? तो इनकी कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो इनके उच्च वातावरणीय दशाओं में रहने के लिए जिम्मेदार है। किसको छोड़कर सभी बीमारियां जीवाणु के द्वारा होती है? फ्लू, कोलेरा, टिटनस, टाइफाइड। तो फ्लू जो है वो वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। विटाकर के पाँच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को कौन से जगत में रखा गया? तो मोनेरा जगत में रखा गया है। बिल्कुल सिंपल सा आपका प्रश्न है। कुछ जीवाणु उच्च वायवीय दशाओं में जैसे O2 की अनुपस्थिति में उच्च लवणीय सांद्रता में उच्च ताप पर एवं अम्लीय पीएच पर भी पाए जाते हैं, ये जीवाणु कौन से हैं? तो आर्किबैक्टीरिया है, यह आर्किबैक्टीरिया की विशेषता है। प्राचीन प्रोकैरियोट्स जो मवेशियों के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए जिम्मेदार है वो मिथेनोजेंस होते हैं, अभी हमने देखा ही है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है, तो हेलोफाइल जो है वो लवणीय क्षेत्रों में मिल जाएंगे, तो एम आपका 4 हो जाएगा आंसर। थर्मोएसिडोफिल गर्म पानी के झरनों में मिलेंगे, मिथेनोजेंस जो है वो मवेशियों के आहार नाल में मिलेंगे, और साइनोबैक्टीरिया जलीय वातावरण में पाए जाएंगे। बिल्कुल आप याद रखेंगे, कभी कभी मैचिंग टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, यू बैक्टीरिया में सम्मिलित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। तो यू बैक्टीरिया में डिस्टेंट्स हम नील हरित शैवालों को और जीवाणुओं को ही इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आर्किबैक्टीरिया नील हरित शैवाल इसमें नहीं आते हैं, आर्किबैक्टीरिया नहीं आएंगे, साइनोबैक्टीरिया और यूकेरियोट्स नहीं आएंगे, जीवाणु और यूकेरियोट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया को हम BGA ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। कॉकस जो हो जाएंगे आपके स्फेरिकल बैक्टीरिया हो जाएंगे, बेसिलस आपके रोड शेप्ड हो जाएंगे, विब्रियो आपके कोमा शेप्ड हो जाएंगे, और स्पाइरलम आपके स्पाइरल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे, A2, B1, C4 और D3। निम्न में सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, PPLO के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन से जीवाणु बहुतायत में पाए जाएंगे? रसायन पोषी जीवाणु, विषम पोषी जीवाणु, विषम पोषी अपघटनीय जीवाणु। बिल्कुल आप याद रखेंगे, हमने पढ़ा भी है, विषम पोषी अपघटनीय जीवाणु सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? नोवाक ने, नौकार्ड व रॉक्स ने, पैलाडे ने, डार्विन ने। तो नौकार्ड व रॉक्स ने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी और नोवाक ने माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। बिल्कुल आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नौकार्ड और रॉक्स ने तो माइकोप्लाज्मा की खोज की थी और नोवाक ने इन्हें माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुरूपी होते हैं, अपना रूप चेंज करते रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो जाता है MCQS में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये MCQS काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आप पेन कॉपी लेकर अपनी नोटबुक में इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ताकि क्विक रिवीजन के टाइम ये आपके अति उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच।